मेरे कोई भी वीडियो देखने से पहले अगर आप इन चार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। जैसे पहला मेरा वीडियो है रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग बैग्स, तो इसमें एक बैग में कितना सामान और वो सामान कहाँ मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, अगर वो नहीं मिल रहा तो उसका ऑप्शन क्या है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और क्विल्टिंग कैसे करते हैं, जब सामान मिल गया तो दूसरी बात ये है कि क्विल्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर बैग क्विल्ट के होते हैं, तो क्विल्ट कैसे करते हैं इसके लिए आपको मेरे ये दो वीडियो देखने पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड नंबर के DIY हाउ टू क्विल्ट, और तीसरा नंबर है DIY बेसिक्स ऑफ क्विल्टिंग विद पेंसिल पाउच। फिर अब क्विल्ट कर लिया तो क्विल्ट करने के बाद हमको जिप और रनर भी डालना होता है, तो उसके लिए हमारा ये चौथा वीडियो है जो स्पीड क्राफ्ट के नाम से है, DIY रनर जिप रनर ट्यूटोरियल। तो इन चारों वीडियो में यही नाम दिया गया है, और मेरा नाम लिख करके और इसको लिखेंगे जो ये टाइटल दिए हैं और सर्च करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, और आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी सब चीज़ के बारे में। यहाँ जो पहला वीडियो है मेरा रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग बैग्स, इसमें कपड़े से लेकर के जिप रनर बेल्ट सब चीज़ की जानकारी दी गई है कि वो किस तरह के मार्केट में मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, किस रेट पे मिलते हैं, कैसे लिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं नंदिनी, आज आपके लिए लाई हूँ टोस्ट मेकर कवर। तो टोस्ट मेकर कवर का जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर का हिस्सा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको वेलक्रो से खोला, ये हमारा वेलक्रो लगा है, और इसको खोलते ही पूरा हमारा जो टोस्ट मेकर है ये दिखाई देने लगा। इसको हम अब इस तरह से बाहर निकाल करके और यूज़ कर सकते हैं, और इसको हमने बस बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन किस तरह से बनाया है ये चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। आज आपको बताऊंगी टोस्टर कवर। टोस्टर कवर के लिए सबसे पहले हम टोस्टर लेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे। तो टोस्टर, यहाँ पर मैं टोस्टर आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जिस तरह से ये मेरा तो रेक्टेंगुलर शेप में टोस्टर है, आपके पास जो भी टोस्टर हो तो उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका राउंड शेप लेंगे, तो राउंड शेप की साइज़ हमारी आएगी एक्यूरेट, अगर टाइट फिट लेंगे तो हमारी ये 27 आ रही है, तो 27 आ रही है। तो अब हम एकदम टाइट फिट तो मेजरमेंट नहीं ले सकते क्योंकि इसको हमको निकालना है, रखना है, वायर भी है इसके साथ, है ना। तो कवर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि रात पे जब हम किचन बंद करते हैं या दिन में भी बंद करते हैं तो बहुत सारे छिपकली तिलचट्टे वगैरह घूमते रहते हैं, मक्खी उक्की बैठती रहती है, तो उन सबसे बचाव के लिए कवर धूल मिट्टी से बचा रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको ब्रेड डालनी होती है, टोस्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें पूरा फुल फिल कवर चाहिए होता है। तो हमने इसका जो मेजरमेंट लिया तो 27 आया, तो 27 न लेकर के हम लेंगे इसको पूरा 32 इंच, क्योंकि हम इसमें ये हमारा 27 है, ठीक, ये हमारा 27 है। अब हमको इसमें सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, ये आसानी से हम रख सकें और इसकी एक प्रॉपर मेजरमेंट भी मिल जाए, तो उसके लिए हम लेंगे 32 इंच, तो इसको हमने 32 इंच कर लिया। अब इसकी जो हाइट है ये आ रही है हमारी 6 इंच, तो हाइट इसकी ले लेंगे हम, यहाँ पर ये 6 आ रही है, हम लेंगे 8 इंच, क्योंकि हमको ऊपर वायर भी रखना होगा, सिलाई में मार्जिन भी जाएगा, और इसमें थोड़ा सा कलाकारी भी करेंगे बनाने के लिए, तो उसमें भी मशीन चलेगी, सिलाई जाएगी। तो अब इस 32 को हमें, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है इसमें हमें डिवाइड करना है, तो इसको क्या करेंगे हम सीधे यहाँ पर देखिए इसकी साइज़ आ रही है हमारी 9, हम ले लेंगे 10, तो 10 इधर का हो गया, 10 इधर का हो गया, फिर प्लस इसकी साइज़ आ रही है हमारी
फोर एंड अ हाफ, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर सिक्स प्लस इधर का सिक्स, तो ये हो गया हमारा 32। ठीक, ये मेजरमेंट निकल गया। अब यहाँ पर हमारा ये जो इसकी जो हाइट है हमारी वो 8 इंच है, तो 8 इंच हमने हाइट तो ले ली। अब हमें यहाँ पर ये हमने डिवाइड किया है 10 प्लस 10, 6 प्लस 6, तो इसका मतलब कि ये हमको ऊपर का जो कवर बनेगा वो और नीचे बॉटम का जो पीस बनेगा वो हमें 10 बाई 6 का 2 चाहिए होगा। ये 32 इंच का तो हमें 1 पीस चाहिए। ठीक, 8 इंच हाइट हो गई इसकी और 10 बाई 6 इंच का 2 पीस चाहिए होगा। ये हमारी इसकी मेजरमेंट निकल गई। फिर इसमें हम जिप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो टोस्टर है ये डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में बच्चों को नाश्ते के समय इसको खोलना ही पड़ता है, तो बार बार जिप खोलना बंद करना अपने आप में एक दिक्कत का काम हो जाता है और जिप उस जल्दबाजी में ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए जिप की जगह यहाँ पर एक हम पट्टी देंगे, तो उसकी साइज़ होगी हमारी 5 बाई 2.5 इंच की और एक हमें 2.5 इंच का वेलक्रो चाहिए होगा, थोड़ी सी पाइपिंग चाहिए होगी और थोड़ी सी 3 इंच विड्थ की पट्टी चाहिए होगी लॉन्ग जो हम इसमें फिर लगाएंगे, एक पैच चाहिए होगा। एक पैच चाहिए होगा तो अब टोस्टर है किचन में रखा जाए तो उसको भी इतना अच्छा इसका कवर बनाएंगे कि जिसको भूख ना लगती हो वो भी कहे कि हमको टोस्ट देख के दो, तो उतारने चढ़ाने में आपको भी एक सुंदर सा कवर अच्छा लगेगा किचन में। और किचन में जब ढक के रखा रहेगा तो कोई भी आएगा जाएगा देखेगा तो आपकी ही कला की सराहना करेगा। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें चाहिए 32 इंच का एक पीस, ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ये 32 इंच का पूरा एक पीस है। फिर हमें चाहिए 10 बाई 6 के 2 पीस, ये हमारे 10 बाई 6 के 2 पीस हैं। इसमें मैंने पैच लगा दिया है पहले से और ये हमारा 5 बाई 2.5 इंच का एक पीस है। ये हमारा वेलक्रो है, ये हमारी फ्रिल के लिए पट्टी है और ये पाइपिंग है। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पैच वाला पीस है उसमें फ्रिल लगाएंगे। इसमें हमें यहाँ से फ्रिल लेनी है, एक साइड से छोड़ देना है, इसको हम ऐसे लगाएंगे फ्रिल। ये हमारी फ्रिल लग गई है। अब फ्रिल को फाइनल करने से पहले ये जो हमारे पास 5 इंच बाई 2.5 इंच का पीस था और वेलक्रो थी इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो स्मूथ वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा के और सिल देंगे। इसमें पाइपिंग लगा देंगे। कॉर्नर हल्के से कट कर देंगे तो सिलने में आसानी हो जाएगी। इसको इसी के साथ लगा के रख देंगे जिससे कि
खोए नहीं। अब ये जो हमने पीस तैयार किया है इसको हम इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे, इस तरह से इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये इस तरह से जुड़ गया है, अब इसको हम फाइनल करेंगे। तो ये जो फ्रिल है हमारी, इसको बस हमें ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर इस तरह से पलटना है और सिल देना है। हमारा पीस कुछ इस तरह से तैयार हो गया, ये हमारा ऊपर दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लेंगे 8x32 इंच का पीस और इसको सीधा जोड़ेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग डाल करके ही हमें इसको सिलना है। यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा ट्रिक से काम लेना है, वो ये कि ये जो हमने यहाँ पर वेलक्रो लगाया है ये हम इसको फ्रंट में रखेंगे, इसको हम बैक में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी से हम जो भी चीज़ दिखाई देती है वो फ्रंट से ही दिखाई देती है, तो शो हमारा फ्रंट में ही आएगा। तो ये जो सिलाई है इसके साथ यहाँ पे रखेंगे, ये जो हमने सेंटर निकाला था आप देख रहे होंगे, ये सेंटर निकाल के जोड़ा था, तो इस सेंटर के साथ इसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ये हमारा निशान लग गया। अब ये जो हमारे पास हार्ड वाला पीस है इसको हमें इस पाइपिंग के ऊपर इस तरह से सिलना है, तो सिलने के लिए एक परत हटा देंगे, इसको इस तरह से करेंगे। वेलक्रो जुड़ गया है, ये देखिए इस तरह से, और पीछे कोई जोड़ हमको नहीं मिलेगा, आगे ये थोड़ा डिज़ाइन हो जाएगा। अब ये जो पाइपिंग उठी हुई है इसको हमें यहाँ पे सिल देना है। और अब इसमें हम ये जो हमारा दूसरा पीस है बॉटम वाला इसको जोड़ेंगे, ये 6x10 का है, तो इसको पकड़ते हुए हम इसका सेंटर यहाँ निकालेंगे दोनों तरफ से, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक, ये बैक साइड का सेंटर हमने निकाला है, और आगे का सेंटर हमारा ये पाइपिंग है। अब इसमें हम सबसे पहले बॉटम जोड़ेंगे, बॉटम का भी सेंटर निकाल लेते हैं 6 इंच के एरिया से, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में। और सीधा पीस रखते हुए दोनों को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम जोड़ देंगे। इसको हम शुरुआत करेंगे फ्रंट से, ये हमारा फ्रंट है, पहले जोड़ेंगे, देखेंगे सही नाप आ रही है तो हम फाइनल पाइपिंग लगा देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट नाप हमारी आई है, और ये देखिए बॉक्स हमारा खड़ा हो गया है। अब इसको पाइपिंग से कवर कर लेते हैं। ये हमारा बॉटम में पाइपिंग लग गया,
पाइपिंग बाहर से देने पे ये पूरे शेप में आ गया है। अब हमें अगला काम करना है कि ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ से ये जो हमने सेंटर लिया था, इस सेंटर से इस सेंटर पे हमें पीछे बैक साइड में ये जो हमने निशान लगाया था ये, अब यहाँ से हमें ये देखिए, इसको मैं इस तरह से दिखाती हूँ, ये बैक साइड वाला है, ये फ्रंट साइड वाला है। बैक साइड में जो हमने सेंटर पहले से निकाल लिया था, यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, टोटल 6 इंच का मुझे गैप देना है और इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग यहाँ पर शुरू में डबल करेंगे और इस तरह से रख के इधर पूरा जो फ्रंट वाला हिस्सा है और साइड का 10 इंच इधर, 6 इंच फ्रंट, 10 इंच इधर, इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। और जो बैक का हमने 6 इंच पे निशान अभी लगाया है, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हमें पाइपिंग नहीं देनी है। ये हमारे ऊपर की भी पाइपिंग लग गई। अब ये जो बैक साइड हमने छोड़ा था, इसमें हम ये वाला पीस जोड़ेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर हम सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे और पहले इसको हम जोड़ देंगे और इसको जोड़ने के साथ यहाँ पर हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। और ये जो पाइपिंग हम चढ़ाएंगे, तो ये जो हमने पाइपिंग ली है, इस ये जो हमने फ्रिल लगाई है, इसके साथ ही हमें इसको सिलना है। और ये हमारा टोस्टर कवर रेडी हो गया। अब इसमें हम टोस्टर डालेंगे और सॉरी टोस्टर मेकर डालेंगे। ये हमने मेकर डाला, अब ये जो वायर है रखेंगे या साइड में डालेंगे, जहाँ भी डालेंगे, और ये जो वेलक्रो हमने दिया है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए, इसको बस इस तरह से हमें कवर करना है कि धूल मिट्टी ना पड़े, कीड़े मकोड़े ना घुसें। और ये आप अपनी डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं बहुत आराम से, और देखने में भी खूबसूरत लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या रखा है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।